बिक रहा है, ये वो कहा है, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा मुझे ये टाइप मुझे देखने में। हाँ भाई बच्चों, क्या कराया था लास्ट क्लास में बताओ। हाँ बच्चों क्या कराया था बेटा। एनबीसी और आम की प्रॉब्लम अरे सैंडविच और ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, सर, आवाज आ रही है? आते हो मुबारक हो। तो मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में? अरे बोल बेटा। सर, आपके क्वेश्चंस करवाए और कन्वर्जेंस के राइट। सो मैं थोड़ा सा आज एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये एक नया प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम पे मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है। सो 5 स्टार वाली प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं आज आपको, ठीक है? एग्जाम्पल वन, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द लिमिट ऑफ दो पार्ट दिए हैं ए एन टू द पावर 1/n² और बी पार्ट है एन फैक्टोरियल की पावर 1/n². इन दोनों के लिमिट बतानी है यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ये क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार प्रॉब्लम है। फाइव स्टार प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन ए करें शुरू। तो ए के सॉल्यूशन में लेट ए एन बी एन टू दी पावर 1/n² को मैंने क्या मान लिया बेटा, ए एन मान लिया, करेक्ट है? यस अब एक बात बताओ सारे बच्चे, एन तो नेचुरल नंबर है तो एन का स्क्वायर क्या बड़ा बराबर एन से होगा? यस तो 1/n² छोटा बराबर 1/n होगा कि नहीं होगा बताओ, पूछ रहा हूं मैं। तो ऑनलाइन वाले तुम्हारी आवाज नहीं आती है। तो एन टू द पावर 1/n² भी तो छोटा बराबर एन टू द पावर 1/n होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। यस सर, सो देयरफॉर ऑल्सो, चलो ऑल्सो इसी में, ऑल्सो एन टू द पावर 1/n² बड़ा बराबर 1 से होगा और छोटा बराबर एन टू द पावर 1 से होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये बात समझ में आती है मेरे बच्चों आपको? यस सर, अगर आती है तो मेरे बेटा बताओ, 1 पीछे वाला सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा? 1 पे। लास्ट क्लास में प्रूव कराया था कि एन टू द पावर 1/n भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ना। चार्जर देना इसका, कहाँ गया वो? थैंक यू। तो बाय, क्या मैं यहां पर बेटा बोल दूं, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल सीक्वेंस
n to the power 1 by n square converges to 1, yes or not? That is sequence an converges to 1. क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हर्षित आ गया ना, शाबाश. कोमल बेटा आया समझ में? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट फैक्टर वाली प्रॉब्लम करा रहा हूँ अब मैं, ठीक है बेटा? पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऐसी ये सुंदर नोट्स बन रहा है ना ये. अब मैं इसी के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ कोमल जी, सॉल्यूशन बी का. तो बी में लेट ए एन क्या ले लूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने ले लिया एन फैक्टोरियल की पावर वन बाय एन स्क्वायर, ये ले लिया, ये ए एन ले लिया, ठीक है. चल देख ध्यान से अब इसको, क्या एन फैक्टोरियल बोल रहा है, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन इंटू माइनस वन इंटू डॉट 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 थ्री टू वन टू द पावर, करेक्ट है जी ये? अगर मैं इस n की जगह तो n रखूं, n माइनस वन की जगह भी n रखूं, डॉट डॉट थ्री की जगह भी n रखूं, टू की जगह भी n, सब की पावर n, तो क्या ये एक्सप्रेशन बड़ा बराबर होगा ना इससे, पिछले वाले से? तो कितने n हो गए मेरे बेटा ये? अरे यही आया ना बेटा. तो क्या मैं लिख दूं बेटा यहाँ पर, ए एन जो है तुम्हारा वो छोटा बराबर हो गया एन टू द पावर वन बाय एन से, और ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव करेंगे. पहली स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ऑल्सो अब दोबारा देखना मेरे बच्चों, अब ऑल्सो जो ए एन है, ए एन क्या था वास्तव में, एन फैक्टोरियल की पावर वन बाय एन स्क्वायर, इसको आपने अभी भी लिखा था एन इंटू एन माइनस वन इंटू 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 टू इंटू वन लिखा था ना बेटा अभी थोड़ी देर पहले. तो जब मैंने एन लिया था तो बड़ा नंबर आ रहा था, अब मैं सबसे छोटा नंबर टू ले लेता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, एन की जगह भी टू, इसकी जगह भी टू, सब की जगह क्या ले लिया मैंने बेटा, टाइम्स वन बाय एन स्क्वायर. अब टू वन की जगह तो टू नहीं ले सकता ना, जो टू से बड़े या बराबर है उसकी जगह लिया है. तो बताओ टू कितनी बार लिया है, एन टाइम्स लिया कि एन माइनस टेन वन टाइम्स, क्योंकि बेटा वन की जगह नहीं लिया मैंने, ठीक है बेटा? तो एन माइनस वन टाइम्स लिया, तो वन अपॉन एन स्क्वायर हो गया. क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया सबको? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर? ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, पेपर में आने वाली प्रॉब्लम है ये. अब मैं वन एंड टू, क्लियर है ना समझ में? एक में मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया, एक में सबसे छोटा, मतलब वन ने लेके टू ले लिया. तो अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों को, लिख लिया ना यहाँ तक कोमल? From 1 and 2, where is n? n is less than equal to n to the power 1 by n, greater than equal to 2 to the power, mere beta, n minus 1 upon n square. This is true for all, n belongs to what? जी कोमल जी क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो बताइए सारे बच्चे. यस सर. अब पीछे वाले भी मेरे बेटा, पहले मैं पीछे वाले की लिमिट चेक कर लूं. लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2 टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो कुछ कर ले बेटा इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी. 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना बेटा. सो 2 टू द पावर 0 इज व्हाट? और तेरे को ये थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में ही प्रूव कराया था बेटा
कि n टू द पावर 1 बाय n की लिमिट तो 1 ही होती है बेटा, राइट? सो बाय व्हिच थ्योरम बेटा, स्क्वीज प्रिंसिपल, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे बेटा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी a n भी 1 ही होगा मेरे बच्चे? बोलो. So these both problems are the most important problems, as I said rightly. This is based on sandwich theorem. मैंने और भी problem कराई आपको sandwich पे, परंतु पिछली class में जो कराई थी उससे ज़्यादा important हैं ये problems. ये आपकी exercise की problem है, Bartle-Sherbert की. मैं बाहर से नहीं करा रहा, Bartle-Sherbert की question करा रहा हूँ. ठीक है बेटा? हाँ भाई पहलवानों, clear होगी बात? Yes sir. अब एक प्रॉब्लम और दोबारा से कराता हूँ, आज नए प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम दूसरी क्या कराता हूँ दिखाता हूँ. देखो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं उस पर, दोबारा से बता रहा हूँ, दो प्रॉब्लम है वो आएंगी आएंगी पेपर में, कोई माइकल रोक नहीं सकता उनको, इसलिए प्लीज ध्यान से सुन लो. ये भी फाइव स्टार प्रॉब्लम है, इनमें से भी एक पक्का आती है, उसको दोबारा से दोहरा रहा हूँ. आपको मैंने कहा था कि शो करो कि सीक्वेंस n टू द पावर 1 बाय n कन्वर्ज करेगा 1 पे, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम और है जो इस जैसी है. तो सॉल्यूशन कोमल जी, कर दूं डिस्कस दोबारा या नहीं करूं? Yes, हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है. देखो देखो बेटा, यहाँ से देख बेटा, ध्यान से समझ. आज मैं और आसान तरीके से बताता हूँ, है तो वही चीज़ सारी. n टू द पावर 1 बाय n की लिमिट 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं मेरी बिटिया, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? सो लेट लेट क्या किया मैंने बेटा, लेट बी एन बी अ सीक्वेंस विच इज एन टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1 एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू डियर, वी हैव टू शो दैट बी एन सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू जीरो, राइट? ये शो करना है. अब हमारे को थोड़ा कलर वलर भी चेंज कर, तो माहौल रंगीन रहना चाहिए. Let epsilon positive be given, कोमल जी. ठीक है, आज आपको नोट्स भी शेयर हो जाएंगे. To show there exist and not कोई natural number है such that mod bn minus 0 किससे छोटा होना चाहिए, for all n greater than equal to what? Okay जी, लेट स्टार्ट विद दिस. अभी 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 आपने ऊपर देखा मेरे बेटा कि बी एन क्या था, बी एन था एन टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बेटा, एन इज इक्वल टू 1 प्लस बी एन टू द पावर एन बेटा, है ना? yes. और बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? जो एन सी जीरो होता है ना, हाँ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो क्या एक्सपेंशन आएगा, 1 प्लस एन सी 1 बी एन प्लस एन सी 2 बी एन का स्क्वायर, ऐसे करता जाऊंगा लास्ट में एन सी एन बी एन की पार एन माइनस एन, क्या एन आएगा ना लास्ट में? हाँ बेटा बोल. अब यही लाइन इंपॉर्टेंट है बस आपकी, इसके बाद वाली लाइन में लिख रहा हूँ दोबारा से. क्या इसके बाद वाली लाइन ऐसे चलेगी, देखना बोर्ड पे. एन सी वन को एन बोलते हैं, एन बी एन. एन सी टू को बोलते हैं बेटा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बी एन का स्क्वायर, और ऐसे चलते जाएंगे. टोटल ये एन प्लस 1 टर्म्स होंगी बेटा, मैं सारी बार बार नहीं लिख रहा हूँ बेटा. अब मुझे तो n नॉट चाहिए होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n नॉट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंस पे डेफिनेशन है. तो इसको इक्वेट करते हैं, k
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं n बड़ा बराबर है, मैंने यहां से आई जस्ट टुक दीज टू टर्म्स, आई टुक दिस टर्म एंड दिस टर्म, दो टर्म ली सर मैंने यहां से, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, n बड़ा बराबर होगा, क्योंकि मेरे बेटा क्यों बड़ा बराबर होगा, सोचा आपने कभी ये? अरे भाई ये 100 रुपये हैं, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 10 10 के बराबर है, 10 बार 10, 2 बार 10 लिखूंगा तो 100 रुपये 20 से तो बड़े ही होंगे। तो अब n माइनस वन को इधर ले आ मेरी बिटिया, और यहां लिख दे n इंटू n माइनस वन बाय टू। बताइए n माइनस वन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यार ये चार्ज नहीं है क्या भाई, ये ऑन नहीं है क्या? कट गया बेटा ये, तो यहां से बी एन क्या आ गया मेरी बिटिया ये बता पहले तो, बी एन इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2/n आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा अब तेरी पिछली स्टेटमेंट जाता हूँ, हमारा तो बी एन यहीं से कंसिडर करते थे ना हम लोग, तो क्या करते थे कि मॉड, मैं कंसिडर वाइट से लिख देता हूँ, ये सारा काम हो गया हमारा, कंसिडर मॉड बी एन माइनस जीरो विच इज बी एन, क्योंकि बी एन तो 0 से बड़ा बराबर है, विच इज लेस देन इक्वल टू रूट 2/n विच इज लेस देन इफ एन इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर अब 2/ε². क्लियर है ये बात, स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स, सो लेट एन नॉट बी अ एन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अगर एन नॉट बड़ा है 2/ε² से तो मॉड बी एन माइनस जीरो छोटा है एप्सिलॉन से फॉर ऑल द टर्म्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो सीक्वेंस बी एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर 1/n-1 0 पे कर रहा है, दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टू द पावर 1/n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। क्या सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों, दोबारा से कराया तो? देखो ये तो आ ही सकता है, इसके तो 95% चांस है आने के, पर इसके अलावा कई बार एग्जामिनर दिमाग भी लगा लेता है अपना, तो जब दिमाग लगाता है, आस्था हार्दिक ऋतिक शर्मा पंचुल, समझ में आ रहा है बेटा? पक्का ना, ये दोबारा कराया मैंने बेटा, जानबूझ के दोबारा कराया, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इसका इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है अगर ट्रिकी पेपर आता है तो? मेरे को नहीं लगता ट्रिकी पेपर आएगा, पर स्टिल वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। वो ऐसा भी तो बोल सकता है, अगर सर जी सी 0 से बड़ा है तो शो करके बताओ सी टू द पावर 1/n कन्वर्ज करेगा 1 पे, एन की जगह क्या आ गया देखो यहां पर सी, नाउ वी हैव केसेस बिकॉज सी आ गया, सी देखो एन तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 है, सी नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर, सो वी हैव केस केस 1, कैन सी बी 1 राइट स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 टू द पावर 1 एन इज व्हाट, 1 ही आएगा ना बेटा, बोलो इफ सी इज ग्रेटर देन 1 से 2 3 4 5 राइट, देन वी नो वी क्लियरली सी टू द पावर 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बात तो सबको ही पता है बेटा, ग्रेटर देन 1 कोई नंबर लो बेटा, 2 ले लो 3 ले लो कुछ भी ले लो, 1 से बड़ा बराबर ही आएगा। ओके ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है यहाँ पर, देखना बड़ा मजा आएगा, जैसे मैंने अभी कराया था वैसे ही कराऊंगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी टू द पावर 1/n इज 1,
दैट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे बच्चों मैं याद, मेरे को पहला वाला याद हो जाए इसलिए दूसरे वाले के लिए मेहनत हो रही है, ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बेटा इसको, इसको क्या ले लूँ, बी एन ले लूँ, बी एन क्या हो गया, सी टू द पावर 1/n-1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू वेयर मेरे बेटा, 0, फिर हमें पता ही है मेरे बेटा लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, वो सब तो हमें सजाना आता ही है, फिर क्या शो कर रहे हैं वो लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट सच दैट मॉड बी एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अरे ये क्लियर है यहाँ तक ये है? यस ओके शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब बी एन क्या था बता मेरे बेटा, पहले यहाँ पर सी टू द पावर 1/n-1 इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू 1+bn की पार n आ गया कि नहीं आ गया मेरे बेटा, तो c फिर से वही सब कुछ nc1bn+nc2bn का स्क्वायर एंड यू ऑल नो इट विल गो टिल n bn टू द पावर n, वी कैन सिंपली राइट दिस एज nbn+n(n-1)/2। मैम मैं कुछ पूछूंगा मुझे जवाब चाहिएगा, क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ओके अब देख कोमल ध्यान से सोचना, यहाँ पर कुछ पहले जो मैं क्वेश्चन कर रहा था यहाँ सी की जगह एन था, तो आई टुक फर्स्ट एंड दिस स्टेप, वाई फर्स्ट एंड दिस, वन उधर जाएगा n-1 आएगा, n-1 से n-1 कट जाएगा तो एन बचेगा, करेक्ट है, पर दिस टाइम दिस इज सी हियर, इट इज नॉट एन, सो कैन आई राइट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन टाइम्स बी एन, इज दिस फाइन, सिर्फ एक ही टर्म ले ली मैंने, ऐसा हो सकता है? अरे बोल भाई, तो कैन आई राइट बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी बाय एन, यू वॉन्ट टू से राइट विच इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ वॉट यू वॉन्ट राइट, इफ वॉट, इफ टेल मी प्लीज वॉट, अरे एन इज ग्रेटर देन सी बाय लेट एन नॉट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कुछ समझ में आई गर्ल कि नहीं आई पहले बताओ, सच दैट अगर एन नॉट बड़ा है सी बाय एप्सिलॉन से, तो सो तो मॉड बी एन माइनस 0 किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो सीक्वेंस बी एन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी सी टू द पावर 1/n कन्वर्जेस टू वेयर 1। कुछ फर्क समझ में आया इस क्वेश्चन में और पिछले में, मेरे कराने का कुछ पर्पज था, वो पर्पज सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हाँ बोलो, इस बार वी टुक जस्ट दिस टर्म बिकॉज एन चाहिए ना अपने को, तो पिछली बार फर्स्ट और ये ले लिया था ताकि एन माइनस वन कट जाए तो एन बच जाएगा अपने पास, राइट, क्योंकि पिछली बार अगर इसको लेता ना मैं तो एन से एन कट जाता तो एन नहीं मिलता मुझे बेटा, पिछली बार सी की जगह अगर एन होता तो एन से एन कट जाता ना बेटा, है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस, देयर इज वन मोर केस विच इज लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट इज, कैन यू टेल मी प्लीज, सी 0 से बड़ा है, सी 1 ले लिया, ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो थर्ड केस क्या ले लूं बेटा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो रहना पड़ेगा, तो देन एक बात बताओ 1/c क्या ग्रेटर देन 1 होगा, तो एक बात बताओ जब कोई चीज ग्रेटर देन 1 है तो अभी अभी आपने प्रूव किया है 1/c टू द पावर 1/n इज 1, अभी प्रूव किया थोड़ी देर पहले कि नहीं किया प्रूव किया, कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो ये आंसर प्रूव किया फ्रॉम केस 2,
बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, वन अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी c टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर कैन वी गेट दिस इज 1 हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. अरे आंसर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? मजा आया, समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा ऐसा भी कर सकते थे बेटा, इस वाले केस में ना एक ना टर्म लगे, दो टर्म भी ले सकते थे पहले, दो भी, सी माइनस वन बचता, पर क्यों रायता फैलाना है, इससे काम बन रहा है ना अपना बढ़िया. हाँ कोमल, तो कोई बच्चा सी माइनस वन करके भी कर सकता है, कोई बच्चा एन बी एन लेके भी कर सकता है, तो चॉइस इज एंटायरली योर्स बेटा. So what we have done, we have completed till this squeeze theorem, right? चलिए जी next. So this is problem set 1. Now moving to the problem set 2. So problem set 1 is of 10 marks. Problem set 2. Problem based on monotonic convergence theorem, MCT. So when we say the problems based on MCT, means we remember two things. Statement 1. Every monotonically increasing and bounded above sequence converges. Every monotonically decreasing and bounded below sequence converges. यही थे ना बेटा, याद है सबको? Yes sir. Yes. So this is also 10 marks. जो मैंने अब तक किया वो 10 marks के question थे. उसके अंदर क्या क्या आता था पिछले वाले के अंदर मैं बता देता हूँ आपको. जो उसके अंदर आता है आपका every convergence sequence is bounded. उसमें आता है एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है यूनिक लिमिट. एलजेब्रा आता है उसके अंदर. उसके अंदर आपका सैंडविच थ्योरम आती है और सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, जो मैंने अब तक कराई थी आपको. प्रॉब्लम सेट टू के अंदर एमसीटी आता है और एमसीटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है. वो 10 नंबर का था, 10 नंबर का ये करने जा रहे हैं. फिर 10 वो ज़्यादा नंबर का भी हो सकता है, 10 12 नंबर 15 नंबर का भी हो सकता है, पर वो चॉइस में होता है. तो माने 10 हो गए पक्के, अब 10 और पक्के करने हैं हमें. फिर 10 नंबर का बचेगा हमारे पास सब सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस. तो लगभग 30 या 32 नंबर का होता है चैप्टर ये. तो एमसीटी की थ्योरम तो कर चुके हैं बेटा, आज उसके क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ. ठीक है बोल. ओके क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल 1 कहता है शो दैट An, which is 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus dash 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 1 upon n plus n is convergent. ओके मैं करना सिखाता हूँ आपको. कुछ मेरे को देखो आप बोर्ड पे. नहीं इसमें ना वो भी रिकॉर्डिंग में देखना मजा आएगा. ये आज हमने नया ट्राई किया है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मजा आ जाएगा सर. फिर सारे मैथ्स के लेक्चर में ऐसे ही बैठ के आराम से रिकॉर्ड कर लूंगा. आज का ही एक्सपेरिमेंट है, अभी क्लास के बाद दिखाएंगे.
चलो बच्चों प्लीज मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको ये शो करना है कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, राइट? तो स्टेप वन वी शो, बताओ ए एन में सम है ना सभी टर्म्स का, तो ए एन प्लस वन में भी सम ही होगा, तो बढ़ेंगी टर्म की कम होंगी, बढ़ेंगी ना, अंदाजा ये तो लग रहा है ना अभी तक तो। सो वी शो सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, पहले तो ये शो करना है स्टेप वन, दैट इज इंक्रीजिंग। दिखाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, ये ख्याल मैं आपको बता रहा हूं आपको लाल पेन से। तो लाल पेन वाली बात ध्यान से देखिए, आपके पास हमेशा आपको एक ए एन लेना है और एक ए एन प्लस वन लेना है, करेक्ट है मेरे बच्चों? अब ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस करोगे आप, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग मेरे बेटा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, यस और नॉट? यस सबसे आसान सर, तरीका सर, ए एन प्लस वन कैसे आएगा, एन को एन प्लस वन रख दो तो ए एन प्लस वन आ जाएगा। तो ए एन हमें दिया होता है, ए एन प्लस वन निकालना होता है, पहला तरीका। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं मेरे बच्चों हम, वी कैन कंपेयर ईच टर्म ऑफ ए एन, ईच टर्म ऑफ ए एन, ईच टर्म, हर टर्म ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ ए एन प्लस वन। हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं, तब भी क्या इंक्रीजिंग आ जाएगा मेरे बेटा? अरे बोल मेरे बेटा, सर और तीसरा एक और रामबाण है भाई, हम ए एन को एक फंक्शन बना लेंगे एक्स का, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो पता ही होगा मेरे बच्चों को, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, याद है सब बच्चों को ये बात? तो सर ये तीन पॉसिबल मेथड्स हैं आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के। मैंने क्यों बता दिया आपको, क्योंकि मेरे बेटा हो सकता है क्वेश्चन नया आए, हो सकता है जाना पहचाना आए, 99% गारंटी है कि मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आएगा, 1% रिस्क क्यों लेने, इसलिए मैंने आपके दिमाग में बात डाल दी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ये लाल पेन वाली बात टीचर को बतानी नहीं है, ये आपके लिए थी। तो अब इंक्रीजिंग शो करते हैं, तो मुझे सारे बच्चे बताओ व्हाट इज ए एन, ए एन क्या था, भी मजा आ जाएगा 1 मिनट में तुम्हें। वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू मेरे बेटा, वन अपॉन एन प्लस एन, ओके। तो ए एन प्लस वन क्या होगा अंशुल, वन अपॉन एन प्लस टू हो जाएगा ना मेरे बेटा, एन को एन प्लस वन से रखेगा तो, ये वन अपॉन टू एन है, तो वन अपॉन टू एन तक तो रहेगा ही रहेगा, वन अपॉन टू एन के बाद वाली टर्म आएगी टू एन प्लस वन, और ये कोमल ध्यान से बता, टू एन प्लस टू तक जाएगा कि नहीं जाएगा लास्ट टर्म? अरे मेरी बिटिया, एन को एन प्लस वन रख, एन को एन प्लस वन, तो टू एन प्लस टू नहीं आएगा। अब मेरे बच्चे क्या कर, ए एन प्लस वन में से तो माइनस कर दे ए एन को, तो देख मेरे बेटा ये इससे अगला, ये सब कट जाएगा बेटा, सर बचेगा क्या, ए एन प्लस वन की कौन सी टर्म बचेगी, माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर है कि नहीं है बच्चों ये बात? अब देखते जाना, देख कितना आसान लगेगा। मैंने कॉमन ले लिया इसमें से वन अपॉन एन प्लस वन, अंदर क्या बचा, वन बाय टू माइनस वन बचा कि नहीं बचा बताओ, चलो तो क्या बचा मेरी बिटिया, बता जल्दी से। अरे माइनस हाफ बचा ना, ये आ गया। अब बता ये पॉजिटिव है कि नहीं है कोमल, यस पॉजिटिव है, मैं बताता हूँ कैसे।
मेरे सर है। मेरे बच्चों बताओ, 2n+1 क्या छोटा होता है 2n+2 से या नहीं होता? बताओ, पहले बताओ सच्ची सच्ची। यस सर। और 1/2n+1 वो बड़ा बड़ा होता होगा है। ना। और अगर मेरे बेटा माइनस कर दूंगा दोनों में से तो क्या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा मेरे बेटा? सर देखो मैं हर बात समझा रहा हूं, तो यहां से ये बात साफ साफ पता चल गई मेरे बच्चों को कि सर an+1 - an जो है वो 0 से बड़ा है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो मैं ये बात चीख चीख के कह सकता हूँ कि an+1 बड़ा या बराबर है an से फॉर ऑल द टर्म्स। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यस और नॉट? हाँ भाई, यस बस। सर। यस अब एमसीटी थ्योरम है, इंक्रीजिंग के साथ क्या और दिखाना पड़ेगा स्टेप 2 में? बाउंड्री अबव यस बेटा, बाउंडेड अबव। आप लिख रहे हो, मैं वेट करूं या पीडीएफ शेयर कर दूं आपके साथ ये वाली पीडीएफ? पीडीएफ शेयर कर हाँ दीजिए। पीडीएफ शेयर, सुंदर सुंदर लिख रहा हूँ ना, देख लो मैं। वीडियो भी आ जाएगी। स्टेप 2 करते हैं मेरे बच्चों, 2-3 एग्जांपल करोगे आपको मजा आ जाएगा एकदम से। बोला सर फ्री का नंबर है, 10 नंबर है तो लेके छोड़ेंगे। अब an क्या था मेरे बेटा? अच्छा लिख दो, पहले पहले लिख दो, टू शो। हर बार ये सजाना मत भूलना, टू शो, टू गिवन, स्टेप 1 2, इसके नंबर अच्छे मिलते हैं बच्चों। टू शो सीक्वेंस an इज बाउंडेड दिखाऊं कि बाउंडेड अबव दिखाऊं? बाउंडेड यस बेटा। तो an क्या था मेरे बच्चे यहां पर? 1/(n+1) / 1/(n+2)। अब याद करो, मैंने एक क्लास में जब सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन करा रहा था मेरे बच्चे, मुझे सारा का सारा सीक्वेंस छोटा या बराबर दिखाना है तो किसी नंबर से, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है कोमल? n+1। तो उससे छोटा क्या हो सकता है नंबर? 1/(n) हो सकता है ना? क्या 1/(n) कोमल बड़ा बराबर होगा 1/(n+1) से? n+2 से भी होगा मेरे बेटा, और n+n से भी होगा। टोटल टर्म्स कितनी है कोमल? इन्फिनिट है। तेरे तो बस कान पे लग गया, तो सो जा तू। 1 से लेके n तक लिख रहा हूं मैं, यहां 1 आ गया। तो क्या मैं कोमल ऐसे ले सकता हूँ कि ये सीक्वेंस की सारी टर्म छोटी या बराबर 1 से हैं बेटा? अर्षिता, सर हाँ। तो स्टेप 2 हो गया? नहीं समझ में आया तो बताओ। सर अरे बड़ा सिंपल है बेटा, एन छोटा बराबर है n+1 से, तो ऑब्वियसली 1/(n) बड़ा बराबर होगा ना बेटा। तो ऐसे सभी टर्म्स के लिए ट्रू होगा ये सब कुछ। तो स्टेप 3 मेरे बेटा, स्टेप 3 क्या कहता है? सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर बाय विच थ्योरम? मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। सीक्वेंस an कन्वर्जेंस, सीक्वेंस an क्या करेगा बेटा? अरे क्लियर है? यस सर। मुश्किल है क्या? पहले बता दो। नो सिंपल है बेटा, मैंने इंक्रीजिंग के तरीके बता दिए, बाउंड अबव या डिप बिलो का तरीका सेम ही रहेगा जैसे सैंडविच थ्योरम में करते थे। तो अगला क्वेश्चन कराऊं? और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे चैंपियन हो जाएंगे हम इसमें। मुश्किल है अगला क्वेश्चन, थोड़ा यस पिच पे टिकना पड़ेगा सबको। गायब हो गए देख सारे, क्या है ना पिच पे? ऋतिक है, हाँ, पंचुल है, आस्था है, कोमल है, हर्षिता है। चलो जी हर्षिता जी, थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा साथ देना प्लीज, ठीक है? कहता है बेटा हर्षिता, एग्जाम्पल 2 में शो दैट, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये, मतलब ये 3 स्टार वाला इम्पोर्टेंट है।
और पहले वाला तो प्रैक्टिस के लिए था, ये 3 स्टार इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसके बाद आएगा। शो दैट सीक्वेंस ए एन। अच्छा मैं ए एन लिखता हूँ, आपको जब एग्जाम में एक्स एन या वाई एन लिखा आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नो हाँ, और पॉसिबली कोशिश करूंगा आज आपको सारे नोट्स भी भेज दूंगा। वेयर एन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना प्लीज। 1 + 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +(n-1) फैक्टोरियल। तो टर्म्स तो एन होगी ना, सॉल्यूशन मेरे बेटा। स्टेप वन हर्षिता तू ही साथ दे मेरे बेटा। स्टेप वन, तेरे को लग रहा है सीक्वेंस के टर्म में सब में प्लस है तो इंक्रीजिंग ही आ सकता है, कुछ है ना बेटा ऐड करूंगा तो? तो क्या शो करूं सबसे पहले स्टेप वन में? टू शो क्या सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली ओके। तो ए एन अपने को दिया हुआ है, मैंने तरीका बता दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने का आपको, ए एन दिया है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, 1/2 फैक्टोरियल प्लस डैश है, लास्ट टर्म है 1/(n-1) फैक्टोरियल, करेक्ट है बेटा? तो ए एन प्लस वन क्या होगा हर्षिता, ए एन प्लस वन क्या होगा मेरे बेटा? हाँ बेटा बोल बोल आगे। लास्ट टाइम एन फैक्टोरियल हो जाएगी ना बेटा। अब मुझे ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस करना है, क्या आंसर बचेगा बताइए जरा? यस बेटा, और क्या ये मेरे बच्चे फैक्टोरियल 0 से बड़ा होता है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सीक्वेंस ए एन छोटा बराबर है ए एन प्लस वन से फॉर ऑल द टर्म्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? मतलब सीक्वेंस ए एन क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मेरे बेटा? अरे सबको समझ में आया क्या? गुड। अब स्टेप टू क्या लिखना है बोलो, इंक्रीजिंग आ गया बाउंडेड अबव, यहां मेहनत लगेगी इसलिए मैं कह रहा था 3 स्टार वाला है। स्टेप टू में मेरे बेटा मेहनत क्या लगेगी देखो ध्यान से, आपकी हर रोज क्लास है बेटा, पता है आप लोगों को मैथ्स वालों, हर रोज जितना कराऊं मेरी क्लास के बाद 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेना बस, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको इसके अलावा। रात को शाम को क्लास होगी, मैंने इसलिए नया सेटअप बनवाया है ताकि आराम से रात को क्लास लूं और आपका सारा तसल्ली से प्रॉप भी शुरू से शुरू करूंगा। कोमल बाकी सारे बच्चे भी प्रॉप में आ सकते हैं क्योंकि आपका जो प्रॉप का कोर्स है वो दिवोर से है, तो मैंने देखा दिवोर के क्वेश्चन है तो आसान बहुत, लेकिन थोड़े से पहचानना उनको थोड़ा मुश्किल है, तो पहचान बताऊंगा आपको मैं। खैर चलिए स्टेप टू, टू शो सीक्वेंस एन इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव ओके, लेट मी स्टार्ट हियर। ए एन क्या था? 1 + 1/(2 factorial) + 2 factorial + 3 factorial + 4 factorial + यही था ना बेटा आपका ए एन? बताओ सारे बच्चों, जो मैं करने जा रहा हूं वो आपकी बुक के अंदर बहुत गंदे तरीके से दिया हुआ है, ये स्टेप समझ लिया तो अगला क्वेश्चन फ्री, जो पेपर में आएगा वो फ्री। क्या मैं इसको वन, क्या मैं इसको वन, क्या मैं इसको 1/2, क्या मैं इसको 1/3 × 2 × 1 कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 4 × 3 × 2 कर सकता हूँ? चलो इंटू वन भी लिख देता हूँ, नाराज ना हो जाना। और कितनी टर्म्स हैं ये सारी की सारी, एन टर्म्स हैं कि नहीं है बताओ?
कोमल बेटा, अगर डिनोमिनेटर को बड़ा कर दूं तो नंबर छोटा हो जाता है, और मुझे दिखाना है बाउंड अबाव, तो डिनोमिनेटर छोटा करूंगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना। तो कोमल देख बेटा, वन वन प्लस वन, क्या ये दो टर्म बराबर है? हाँ क्या तीसरी टर्म मैंने लिखी 1/2, अब भी बराबर है ये तीन और ये तीन? अब इस थ्री की जगह कोमल टू लिख रहा हूं, अब बड़ा बराबर आ जाएगा। अब इस फोर की जगह भी टू लिख रहा हूं, और मैं इस तरह से लिखता हूं कोमल कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊं, कोई इनफाइनाइट जीपी या एपी कुछ ऐसा कुछ टर्म बना पाऊं मेरे बेटा। सब क्या मैं बना पा रहा हूं कोई जीपी एपी या एपी कुछ भी इसमें? बना तो दिया मेरे बेटा, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर मेरे बेटा, 1/2 का क्यूब बना दिया मेरे बच्ची, और मैंने एक वन को छोड़ दिया, तो बची कितनी टर्म्स मेरे बेटे पास? तो सम टू एन माइनस वन टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे बेटा। फर्स्ट टर्म वन, वन माइनस कॉमन रेशो 1/2 to the power n-1 अपॉन 1 - 1/2, यही आएगा मेरे बच्चे आंसर। यस सर, अच्छा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो 1 + 1/2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 1 - 1/2 की पार। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, माइनस 2 / 2 to the power n-1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस हर्षिता, कोमल, आस्था, हर्ष, ऋतिक, पंचुल, सर, क्लियर है यहां तक की बात सबको? हाँ बोलो। यस सर, अच्छा, सुनो मेरी, दिमाग से बात सुनना, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं चाहिए मुझे। अब ये जो ए एन है, 1 + 1 किससे बड़ा है? 1/2 अरे 1 + 1 मतलब 2 से बड़ा हुआ ना, 2 में कुछ ऐड हो रहा है ना। हर्षिता, ए एन इज इक्वल टू यस 1 + 1 मतलब 2, 2 + समथिंग है ना। सर, अच्छा 3 में से माइनस हो रहा है कुछ, यस सर, तो क्या ये नंबर छोटा या बराबर 3 से होगा? यस सर, कोमल जी बताओ, आप बताओ मुझे, मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो ये क्या मैं लिख दूं मेरे बेटा ऐसे कि ये सीक्वेंस ए एन छोटा या बराबर 3 से है? ये तो छोटा ही है यहां पर, तो चलो मैं छोटा बराबर क्यों लगा रहा हूं जब यहाँ छोटा ही है तो 3 से, क्योंकि 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन क्योंकि पहले बराबर का साइन भी था तो छोटा बराबर 3 से है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू व्हाट? तो क्या मैंने सीक्वेंस को बाउंड अबाव दिखा दिया बेटा? ये प्रक्रिया तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ सारे बच्चे। ओके अब स्टेप 3 में क्या करूं बता? सीक्वेंस एन क्या भी है बेटा? इज मोनोटोनिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड, और क्या भी है? बाउंडेड अबव अबव, सो देयरफॉर बाय विच थ्योरम मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस एन क्या करेगा? कन्वर्जेंस एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन वेयर? टू एंड थ्री? देख तो सही यार, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगी ना जो लिमिट आएगी इसकी ना। आज बात समझ में ना आ रही। सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ऐसे थोड़ी होता है, ये पता है फॉर्मूला ए एन का, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला? ए 1 - r to the power n upon, ये हाँ, और टर्म्स कितनी थी? एन माइनस वन टर्म्स थी, क्योंकि 1 को छोड़ दिया ना बेटा यहाँ पर। ओके तो ये 3-स्टार प्रॉब्लम थी, दूसरी एमसीटी की प्रॉब्लम।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद करना पड़ रहा है बात। सर इंक्रीजिंग दिखाने का तरीका आपने बता दिया, ए एन की जगह एन प्लस वन रखा है, एन प्लस वन माइनस एन किया पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग। हाँ बाउंडेड अबाउट दिखाने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है हर क्वेश्चन के हिसाब से, जब फैक्टर रूल आएगा तो ऐसे ही होगा हमेशा। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, सुपरस्टार हमारी फिल्म का हीरो, सुपरस्टार प्रॉब्लम है वो, फाइव स्टार। वैसे तो इसके बिना पेपर नहीं बनता है, पर पता नहीं मर्जी है एग्जामिनर की। क्या कह रहा है फाइव स्टार प्रॉब्लम में, एक और भी प्रॉब्लम आएगी वो डिफिकल्ट है लेकिन फाइव स्टार नहीं है। कहता है द सीक्वेंस क्वेश्चन तो देखना ही पड़ता है मुझे, सॉल्यूशन तो नहीं देखता मैं यार, देखना पड़ता है क्वेश्चन तो। देखिए रे नोट्स तो मुझे मिलेंगे, वन प्लस वन बाय एन की पार एन कन्वर्जेस टू अ लिमिट लाइंग बिटवीन टू एंड थ्री। ये है भाई पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक बार पहली दो प्रॉब्लम देखना चाहोगे फिर से या चलूं शुरू कर दूं? शुरू कर दें। स्टेप वन क्या करना है बोल। सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, हां टू शो सीक्वेंस ए एन is monotonically increasing. चलो जी पहले देखो सारे बच्चों ज्ञान प्राप्त करो मेरे से, थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल सीरीज का ज्ञान प्राप्त करो। इसको बोलते हैं वन प्लस एन इंटू वन बाय एन प्लस n into n minus 1, 1 by n ka square upon 2 factorial plus n into n minus 1, n minus 2 na? into 1 by n ka cube upon 3 factorial और ऐसे चलता जाएगा टिल हाउ मेनी टर्म्स, कितना है एन है ना पावर में, तो एन प्लस वन टर्म्स। बाइनोमियल की रेंज ना जीरो से स्टार्ट होती है बेटा, तो जीरो से टेन तक कितने टर्म्स हुई, जीरो से टेन इलेवन, तो जीरो से एन में कितने टर्म्स हो गए बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वन से वन कटा वन प्लस वन प्लस एन से एन कटा 1 minus 1 by n upon 2 factorial मतलब 2 plus n cube है तो 1 n कटा 1 n कटा 1 n कटा so 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n upon 3 factorial। चलो 3 factorial ही देता हूँ, क्या 6 लिखो, ऐसे करते जाओ कितने terms हो गई n plus 1। या ऐसे लिखा जा सकता है ए एन को कि नहीं लिखा जा सकता बच्चों बताओ। देख लो एक एन से एन कटा एन अंदर गया वन माइनस वन बाय एन माइनस एन, पता नहीं सोच लो देख लो एक बार ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर। नहीं आया समझ में, देखो ना एन क्यूब है ना तो एन से एन कटा एक अंदर गया एक तो कट गया स्क्वायर बचा एक एन इधर एक एन इधर तो वन माइनस वन बाय एन वन माइनस टू बाय एन। नहीं यार बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा तो पेज बढ़ जाएगा जी,
हाँ भाई आस्था जी, हर ऋतिक जी, पंचुल समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया? गया आ गया। तो बताओ ए एन प्लस वन क्या होगा? देखो वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन माइनस वन अपॉन वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन, करेक्ट है ना मेरे बेटा? अपॉन यस थ्री यस फैक्टोरियल। अब कितनी टर्म्स हो जाएंगी मुझे ये बताओ। चलो अरे एन प्लस टू हो जाएंगे ना एन प्लस वन में तो। यस ओके इतने थकावट में आलस तुम्हारे, तुम जो यस बोलते हो ना इससे तुम जागे हुए हो। बार बार तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, वरना तो सो जाओ तुम ऑनलाइन क्लास में। तो वैसे भी शाम हो रही है। क्यों हर्षिता? तो सर हाँ यस सर, सो जाएंगे। चल देख इधर हर्षिता, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं कुछ ज्ञान की बात देना जा रहा हूँ तुम्हें। हर्षिता बता, एन क्या छोटा होता है एन प्लस वन से? यस बड़ा और वन बाय एन, होता है बट मैं प्लस और अगर माइनस लगा दूं तो, उसे छोटा हो जाएगा और इसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दूं तो भी छोटा ही रहेगा। तो बड़ा हो जाएगा ना, मतलब वही रहेगा ना। वन ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसका दोनों में ऐड हो भाई रहा है। ओके डिवाइड बाय टू कर दूं तो भी वही रहेगा। तो भी वही रहेगा। अच्छा भाई ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रही कुछ? कैसे भाई? नहीं बेटा अगर बड़ा है वन माइनस करूंगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा छोटा फिर से? नहीं समझ में आई बात? आ गई आ गई आ ये बड़ा, अच्छा मैंने यहाँ नहीं छोटा किया ना फिर ठीक था। सेम देख लो, दोबारा से देख लो सारे बच्चे। एन छोटा एन प्लस वन से, वन बाय एन बड़ा हो गया, माइनस लगाया छोटा हो गया, वन ऐड किया सेम रहेगा। ठीक है अभी बताओ इसमें से व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन? फर्स्ट टर्म ऑफ एन, फर्स्ट वन टर्म ऑफ एन प्लस वन वन सेम है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सेम है सेम या नलायक? अभी तो कंपैरिजन दिया है। अच्छा सेम है सेम है? अच्छा हाँ सेम है, ये भगवान नहीं है क्यों नहीं है पता? कौन सी बड़ी है, कौन से वाली बड़ी है? थर्ड टर्म ए एन वाली बड़ी है थर्ड टर्म की एन प्लस वन वाली बड़ी है? एन प्लस वन वाली पढ़ती है कहीं दिखाया मैंने ऐसा करके? यस सर यस सर ये टीचर दिखाया तो है भी यस सर मैंने बोला वो माइक बंद हो गया था ए एन प्लस वन वाली टर्म। देखो मैंने क्या कहा था, कितने तरीके हैं इंक्रीजिंग दिखाने के। पहला टर्म को माइनस कर दो, दूसरा हर टर्म को कंपेयर करो। तो मैं दूसरे वाले पे हूं अभी, तो देखो पेज आगे कैसे भाग गया था। ईच टर्म ऑफ ए एन, पहली टर्म ए एन की बराबर बराबर, फिर ये छोटी है तो आगे भी छोटी आएंगी। तो ईच टर्म ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू, कैन आई राइट लाइक दिस अंग्रेजी में? ईच टर्म ऑफ ए एन इज लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म टर्म ऑफ ए एन प्लस वन। ऑल्सो ए एन प्लस वन हैज वन एक्स्ट्रा टर्म। अरे कैसे बताओ? अरे देखो तो सही, यहां एन प्लस टू टर्म्स हैं, यहां कितने टर्म्स हैं? एन प्लस वन तो क्या ये चीख चीख के कह रहा है कि ए एन प्लस वन बड़ा बराबर है ए एन से?
नहीं समझ में आया। यस सर। तो क्या सीक्वेंस ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? फिर समझना है समझ लो, बेशक स्टेप वन खत्म किया मैंने अभी। कोई जल्दी नहीं है। हाँ बच्चों, आ गया। अब क्या शो करना है? बाउंडेड अबव इट। हाँ, स्टेप टू टू शो सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव। Therefore, by equation one, ये थी इक्वेशन वन। क्या मैं देखो वन में से माइनस कर रहे हो वन बाय एन को, अगर आप माइनस नहीं करोगे तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन इससे बड़ा बराबर होगा? बोलो। अरे वन में से माइनस कर रहे हो, वन में से माइनस करो, मत करो माइनस, है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? है ना? और क्या ये बड़ा बराबर हो जाएगा? बोलो बेटा। अब मैं पहले टर्म को छोड़ देता हूँ तो अंदर कितनी टर्म्स का जीपी बनेगा? एन टर्म्स का जीपी। क्या ऐसा पहले भी किसी क्वेश्चन में किया हमने? तो सम टू एन टर्म्स का जीपी क्या होता है मेरे बेटा? फर्स्ट टर्म वन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन अपॉन, यही था ना मेरे बेटा? यस क्या मैं इसको वन प्लस टू वन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन बोल सकता हूँ? थ्री माइनस टू अपॉन टू टू द पावर एन बोल सकता हूँ, विच इज लेस देन थ्री। देयरफॉर सीक्वेंस एन इज बाउंडेड अबव बाय थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करेक्ट है कि नहीं है बेटा? यस। और सम किससे बड़ा है ये सारा? तो जो ये बात कह रहा था, कन्वर्जेस टू अ लिमिट लाइंग बिटवीन, वो बात सही सच आ है। रही है ना बेटा? है ना? स्टेप थ्री आपको तीन स्टेप्स में ही करना है इस तरीके से। एज सीक्वेंस एन इज, मैं करूंगा ना बड़ा आसान लगेगा आपको, आसान तो है, घर जा खुद करोगे, हिलेगा अपनी पेन। इंक्रीजिंग ऐसा होगा पक्का, देखना एक बार लिख लोगे तो हो जाएगा। बाउंडेड अबव देयरफॉर बाय आदमी
सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस, करेक्ट छे। ऑल्सो लिमिट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री। कुछ अतिरिक्त ज्ञान ले लो पहले मेरे से, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा एंड काम का ज्ञान। देख रहे हो विनोद ये क्या हो रहा है, बोर्ड पे देखो। ओए कोमल इधर देख बोर्ड पे, आस्था पंचुल किसी की तो आवाज आए। अब बोर्ड पे देख लो चुपचाप, यहां पर रंग मिलाना है आपको। जो यहां है माहौल रंगीन किया जाए। इसका आंसर हमेशा सपने में भी आ जाए तो प्लस माइनस आर ही होगा। जो यहां होना चाहिए वही पावर में होना चाहिए और लिमिट एंड टेंशन इनफिनिटी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी तुम्हें सिखा के चैंपियन बनाता हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, क्या आंसर होगा बताओ इसका। e की पावर प्लस 1 ना, मतलब है ना e हो गया ना। वाह भाई वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो सारे। इसका आंसर क्या होगा बताओ। वाह शाबाश, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा कर हा? Yes, sir. और मेरे बेटा इसका आंसर क्या होगा। घबराना नहीं, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। sir. N इंटू, अब इसका आंसर क्या होगा और इसका क्या होगा लिमिट एंड टेंशन इनफिनिटी। तो आंसर E ही हुआ ना। अरे ये मैच करना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्रेशन दिया है, तब भी आप भी चकरा गए। मैच तो हो नहीं रहा था, देखो मैंने मैच कर दिया ना बेटा। yes, अब बता बेटा मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, लिमिट एंड टेंशन इनफिनिटी, क्या आंसर आना चाहिए था इसका। और e की वैल्यू किसके बीच में होती है, 2.732 होती है क्या। इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यस और नॉट। देखा हमें पहले ही पता थी ये बात, हमें पहले ही से ये बात पता थी मेरे बेटा। होप ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से समझ में आया होगा। देखो ये एमसीटी खत्म नहीं हुआ है, अभी चालू हुआ है अभी एमसीटी। एमसीटी में बहुत कुछ है अभी। ये एक्स्ट्रा समझ में आ गया सबको। चलो जी और भी कराऊं या रहने दूं, जो तुम बोलो। एक और क्लास नहीं, हाँ यार एक और क्लास है तुम्हारी तो रहने देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मुझे याद दिलाना सर एमसीटी ही कंटिन्यू करना है आपको, आपने सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल कराए हैं। ठीक है ओके बाय बेटा। डेली क्लास है मेरी, एक दिन रियल की एक दिन प्रॉब, एक दिन रियल एक दिन प्रॉब, ऐसे चलेगी। ठीक है ओके।
थैंक यू सर, बाय बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय। हाँ जी, आप देखिए, खुद ही देखिए आप, क्या होगा इस, क्या आएगा इसके अंदर से निकल के। अच्छी लगी क्लास? यस सर, आ गया समझ में ना सारा बेटा? सर फर्स्ट में सर नहीं जा रहे।